हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा जो 7 का आपका गणित है उसके अंदर अध्याय 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अध्याय 2 में हमने कुछ जो एक्सरसाइज 2.1 था, 2.2 था, उसको हमने किया था। और आपको पता है कि जो अध्याय 2 है वो क्या है, भिन्न एवं दशमलव पे डिपेंडेंट। ठीक है, भिन्न एवं दशमलव के बारे में हमको पढ़ना है। यहाँ पर हमने बताया था आपको कि जो भिन्न होता है, ठीक है, भिन्न किसे कहते हैं और दशमलव भिन्न क्या होता है। देखिए भिन्न और जो दशमलव भिन्न इसको बोल सकते हैं। ठीक है, भिन्न दो तरह के हो सकते हैं। एक ऐसे कहें कि जो अंश और हर के रूप में जिसको लिखा गया हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं साधारण भिन्न बोलते हैं। ठीक है, और ये जो आपको पॉइंट के जो रूप में लिखा जाता है, जो दशमलव के रूप में लिखा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, दशमलव भिन्न बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि हमने जो डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, वो भिन्नों के संबंधित, भिन्न का गुणा और भिन्न के जोड़ के बारे में पढ़ा था, फिर भिन्न का गुणा हमने देखा था। आज हम फिर देखेंगे कि देखिए, अगर आप बात करें यहां पर जो है ना, ये पूर्ण, देखिए दो क्या है, अगर हम कहें कि देखिए भिन्न, अभी समझिएगा भिन्न और पूर्णांक का मतलब क्या होता है, समझिए। अगर हमने आपसे कहा कि दो है तो आपको पता है दो है तो मतलब क्या है कि यह एक क्या है, पूर्णांक है। ऐसे समझिए कि इसका हर नहीं लिखा हुआ है, और जिसका हर नहीं लिखा होता है उसका हर कितना होता है, एक होता है। तो इसे आप क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे, यानी इसका हर नहीं है। ठीक है, हर कितना है, एक है। जिसका हर नहीं लिखा होता उसका हर कितना होता है, एक होता है। तो जिसका हर एक होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक कह सकते हैं। देखिए भिन्न का मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीज होता है ना, कोई चीज जैसे मान लीजिए एक कोई वस्तु है जिसको हमने चार पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट और चार पार्ट। ठीक है, इसको हमने चार पार्ट में डिवाइड किया, एक, दो, तीन और चार। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप इस पार्ट को सिर्फ लिखा, सिर्फ इस वस्तु के इस भाग को आप लिखना चाहते हैं, तो इसी को हम क्या दे देते हैं, चार में से क्या, सिर्फ एक पार्ट आप लिख रहे हैं, यानी एक बटे क्या, चार। तो आप एक बटे चार जो हो गया वो क्या कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा। तो बस कहने का मतलब बस यही होता है कि जिसमें अंश, मतलब चार का कितना, सिर्फ एक भाग है। इसका मतलब क्या है, टोटल चार भाग था आपका और चार का आपका कितना हो गया, एक भाग हो गया। ठीक है, तो यही होता है, क्या होता है, भिन्न होता है। तो एक्चुअली हम आज पढ़ने वाले हैं भिन्न की गुणा के बारे में, जो भिन्न का गुणा होता है वो कैसे होता है। देखिए का जो मतलब होता है ना, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है, जो का मतलब होता है अगर बात करें गणित में, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। जैसे आपसे कहा जाए, पहले हम कुछ एग्जांपल देते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज आपको कराएंगे। ठीक है, और बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, आपको कोई भी टेंशन लेने जरूरत नहीं है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर आपसे लिखा गया दो का तीन सही एक बटे दो, देखिए इस रूप को हम बोलते हैं संयुक्त भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संयुक्त भिन्न होता है। एक क्या होता है, संयुक्त भिन्न होता है। तो दो का तीन सही एक बटे दो का मतलब आपको बताना है। हमने अभी आपसे कहा का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुणा। क्या होता है, का मतलब रहता है गुणा। तो जब का के साइन को आप हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, दो गुणे तीन सही एक बटे दो। अब इसको मतलब क्या है, इसको आप ऐसे कुछ लिखेंगे, तीन सही एक बटे दो। ठीक है, दो गुणे तीन सही एक बटे दो आप इसको लिखेंगे। आपको पता है इस संयुक्त भिन्न है, कैसा भिन्न है, संयुक्त भिन्न है। और जब संयुक्त भिन्न को आप सिंपल भिन्न में बदलेंगे, तो कैसे बदलेंगे, साधारण भिन्न में। तो कहने का मतलब क्या होता है कि इसका इसमें गुणा होता है। तो दो का तीन में कहेंगे तो दो तीन कितना हो जाएगा, छह हो जाएगा। और छह को एक से जोड़ लिया जाता है, यानी छह कितना हो जाएगा, सात। यानी आप लिख सकते हैं दो गुणे सात बटे दो, क्या हो गया, दो गुणे सात बटे दो हो गया। अब आपको पता है कि आपको इसका, देखिए अब आप कहेंगे हमसे कि इसका गुणा कैसे करें। हमने आपसे बताया था कि अंश का गुणा अंश में, किसका, जैसे यहां पर भी अंश और हर है, ठीक है, और फिर अगला कोई भिन्न है उसमें भी अंश और हर होगा। तो हमने कहा था कि जो अंश का गुणा होता है वो किसमें होता है, अंश में होता है, और जो हर का गुणा होता है किसमें होता है, हर में होता है। तो अंश का अंश में करेंगे और हर का हर में करेंगे, तो वही बात हो गया। आप कहेंगे कि यहां हर नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहां पर हर दिखाई दे रहा है, आप देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, हमने कहने का मतलब क्या, देखिए यहां हमने क्या कहा, एक है। अभी हमने आपसे बताया कि कोई भी
अगर कोई भी संख्या लिखा हुआ है उसका हर नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब है एक है वहां, क्या है, एक है। तो आप अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। अब दो का किसमें कर लेंगे, साथ में, दो सते कितना हो गया, चौदह हो गया, ठीक है, दो सते कितना हो गया, चौदह हो गया, और दो का कर लेंगे एक में, तो दो एक का नम कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, ठीक है, एक कितना हो जाएगा, दो एक का नम कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। अब आपसे कहा जाएगा कि इसको सरलतम रूप में लिखिए, यानी निम्न भिन्न के रूप में लिखिए, सरलतम रूप में लिखिए, निम्नमत रूप में लिखिए, बात सभी का क्या है, एक ही है, ठीक है। आपसे किसी भी तरह से पूछे, मतलब छोटा, ऐसे समझिएगा छोटे रूप में, इसको और कितना छोटा कर सकते हैं इसके बारे में बताना आपको, ठीक है। तो आपको पता है इसको हम और छोटा करना चाहें तो और छोटा करने के लिए आप इसके क्या कर सकते हैं, दो का पहाड़ा पढ़ के इसको सात बार में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए काटने का मतलब क्या होता है, ये दो के पहाड़ा में किसको काटा जाता है, काटा उसी को जाता है जो दोनों में मिलता हो। देखिए दोनों में क्या होता है, दो यहां भी दो है, आप सोचेंगे देखिए यहां पर दो है तो भाई बिल्कुल दो है। अच्छा चाहे ऐसे इसको समझिए, आप इसको गुणा मत करिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले ऐसे लिख लीजिए, दो गुणे सात बटे दो, क्या लिख सकते हैं, दो गुणे सात बटे दो। अब आपको पता है दो से दो क्या हो गया, खत्म हो जाएगा, ये दो से दो खत्म, यानी क्या आ गया, सात बटे कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सात बटे कितना आ जाएगा, एक। और आपका आंसर क्या होगा, देखिए हर एक नहीं लिखा जाता है, ठीक है, हर अगर एक हो तो एक नहीं हम लिखते हैं, और इसको हमने क्या कर दिया, सात, क्या कर दिया, सात। बात समझ में आया, आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए निम्नमत रूप में हमें बताया था कि जितना छोटा कर सके कर लीजिए, वही उसका क्या कहता है, निम्नमत रूप होता है, ठीक है। सबसे पहले अच्छा एक और तरीका आपको बताते हैं, सबसे पहले जो गुणा करने से पहले देखते हैं क्या कोई कट जाता है, क्या क्या कोई काटने का तरीका क्या होता है, बताइए काटने का तरीका क्या होता है। अगर ऊपर वाले से नीचे लोग काटते हैं, देखिए इस अंश से आप इसको भी काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं, किसी एक को ही काटना है, मतलब जो कटे उसको काट सकते हैं, यानी ऐसे हम कहें एक सिंपल भाषा में आपको समझाएं तो हम कह सकते हैं कि ऊपर वाले से नीचे वाले को काट सकते हैं, ठीक है। काटने का मतलब समझिएगा, हम कहें काटने का, अभी सोचिए काटने का मतलब, काटने का मतलब यानी चाकू से काटना है, ठीक है। काटने का मतलब क्या है, काटने का मतलब ये है कि आपको पहाड़ा पढ़ के ही काटना है, ठीक है, कैसे काटना है, पहाड़ा पढ़ के ही काटना है, ठीक है, काटने का मतलब यही है। अब काटेंगे कैसे, देखिए आप, आपको पता है यहां पर दो है और चार है, तो दो और चार से तो कट जाएगा ना, जो दो चार है दो से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब कैसे कटेगा, तो आप देखिए कि ये दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, दो और चार, तो आपको पता है दो के पहाड़े में भी दो आता है और चार भी आता है, तो दो का पहाड़ जब आप पढ़ेंगे ना तो दो के पहाड़े में कितने बार में एक आएगा, दो आएगा, तो एक बार में दो एक का नम दो। अच्छा अब दो के पहाड़ा में एक बार में दो आ गया, फिर दो के पहाड़े में कितनी बार चार आ गया, दो के दो दुना चार होता है, तो इस तरह से कट के क्या बन गया, इस तरह से आपका कट के बन गया, अब ये बन गया दो बटे दो, ठीक है, क्या हो गया, दो बटे दो हो गया, और यहां क्या हो गया, तीन बटे एक हो गया, क्या हो गया, तीन बटे एक हो गया। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, अगर हम कहें कि पांच बटे पांच तो इसका मतलब एक, चार बटे चार इसका मतलब एक, क बटे क इसका मतलब एक, समझ में आया। अगर हम कहें कि ए बटे ए तो इसका मतलब एक, ऐसा क्यों हो रहा है, आपको अच्छी तरह से पता है, अगर आप दो का पहाड़ा पढ़े तो दो एक न दो, दो एक न दो, और एक क्या हो गया, तीन बटे एक, आपको अच्छी तरह से पता है। अब इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो तीन एक नम कितना जाएगा, तीन हो जाएगा, और एक एक नम एक। और हमने आपसे अभी बताया कि जब भी आप अंश को हर को एक लिखा मिले तो एक नहीं लिखिएगा, आपको सीधे क्या आंसर देना है, तीन देना है आंसर, ठीक है, क्या आंसर देना है, तीन देना है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है, हमें आशा है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब चलते हम अपने एक्सरसाइज की तरफ, है ना, जो हमारा एक्सरसाइज है वो है 2.3। अगर आपके पास किताब होगा तो एक्सरसाइज 2.3 को देखिएगा, और इसमें हम सवाल करते हैं, एक्सरसाइज 2.3 का सवाल नंबर वन ही कर लेते हैं, ठीक है। सवाल नंबर वन जो होगा आपका कैसे होगा, सवाल नंबर वन की अगर बात करें तो वन देखिएगा,
सवाल नंबर पहले का एक है, ठीक है, एक सवाल नंबर पहले का कितना है एक। आपके पास किताब होगा, ठीक है, किताब में आप देखेंगे एक्सरसाइज 2.3 यानी प्रश्नावली 2.3 को देखेंगे आप, तो वहां पर जो ए का देखिए इसमें भी क्या है, कई तरह से है, ए का नंबर ए है हम कर लेते हैं, देखिए इसमें है सवाल नंबर एक उसका पहला, और पहले में जो पहले का ए ऑप्शन जो है ए वाला हम करते हैं, इसमें दिया क्या है 1/4 का 1/4 है ना, 1/4 का 1/4। आप में से कोई बताएगा कि का मतलब क्या होता है? तो अगर हम आपसे पूछे का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे का मतलब क्या होता है, कूड़ा होता है, क्या होता है, बुरा। तो सिंपल सी बात है भाई, अब हम इस का को क्या करेंगे, हटाएंगे और का की जगह बुरा लगाएंगे, यानी क्या हो जाएगा 1/4 × 1/4, ठीक है, 1/4 × 1/4। अब हम आपको पता होगा, आप ये कहेंगे कि अब हम इसका गुणा करेंगे तो अंश का अंश में करेंगे, यानी एक का एक में करेंगे तो एक के कर्ण कितना हो गया एक हो गया। अब हर का हर में करेंगे तो चार एक कर चार चौका कितना हो गया 16 हो गया। अब हम आपसे पूछें क्या इसमें कुछ कटेगा, तो आप क्या कहेंगे, अरे भाई इसमें से कुछ नहीं कटेगा, ऊपर तो क्या है एक है और एक कटेगा ही नहीं, बात समझ रहे हैं, एक क्या होगा कटेगा ही नहीं, तो 1/16 आपका क्या हो गया आंसर, क्या हो गया ये आपका जो होगा आंसर हो गया 1/16, ठीक है, क्या होगा आंसर 1/16। तो आई होप आप इसे अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, देखिए पढ़िए एकदम मस्त होके एंजॉय से पढ़िए, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अपना इसमें से कोई, देखिए इसी तरह सबका है, सब कर लेंगे आप, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा इसमें। एक ऑप्शन और हम लगा लेते हैं, इसमें का पहले का ही सी लगा लेते हैं, सी आप अपने किताब में देखिए, अपने बुक में देखिए, जो सी है वो है 4/3, कितना है भाई 4/3 तो है 4/3, और यहां पर 4/3 का दिया हुआ है और दिया हुआ है 1/4। अभी हमने आपसे बताया कि का मतलब क्या होता है, गुणा होता है ना, का मतलब क्या होता है गुणा, तो 4/3 और गुणे 1/4 है कि नहीं, 4/3 गुणे क्या हो गया 1/4 हो गया। एक बार हम फिर से आपको कर रहे हैं, अच्छी तरह से पढ़िए, दिमाग से पढ़िए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, आप कहेंगे अब कि हम हर का हर में गुणा कर दे और अंश अंश, तो अंश 4 × कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और हर 3 × कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आप कहेंगे अरे भाई यहां तो 4 ऊपर भी और 4 नीचे भी है, तो क्या करेंगे, जब 4 ऊपर है 4 नीचे है तो आपको अच्छी तरह से पता है कि इसको हम कट कर देंगे, क्या कर देंगे भाई कट कर देंगे, 4 से 4 को कट कर देंगे। अब कहेंगे कि वो गया क्या, तो गया कहीं नहीं भाई, इसको हम क्या कर सकते हैं, कहीं ये गया नहीं है, आपको पता है 4 के पहाड़ा में कितनी बार में आता है, एक बार में आता है, और 4 × 1 पहले से है ही, अच्छा 3 यहाँ है और 3 के पहाड़े में कितने बार में आता है 4, 4 के पहाड़े में कितनी बार आता है, एक बार आता है, एक हो गया है कि नहीं, एक एकन्नम कितना हो गया एक हो गया, और 3 एकन्नम कितना हो गया 3 हो गया। अब हम आपसे पूछे क्या और कटेगा, तो आप कहेंगे नहीं कटेगा, जब नहीं कटेगा तो क्या हो गया आपका आंसर हो गया, क्या हो गया ये आंसर हो गया। अरे बात समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी आया समझ में ना, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आप मन से पढ़िए ध्यान से पढ़िए, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है इसी तरह आपको सब करना है, सब है ना, इसी तरह सब करना, हम सब का एक एक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कहेंगे चलिए हम क्वेश्चन नंबर करते हैं दूसरे का, ठीक है, दूसरे का क्वेश्चन नंबर करते हैं, दूसरे का पहला, चलिए दूसरे का पहला ही कर लेते हैं, ठीक है, कौन दूसरे का पहला ही कर लेते हैं, ठीक है, क्या है 2/3 है, कितना है भाई 2/3 है, गुणे क्या है 2/3 है, क्या है 2/3 है। अब आप कहेंगे कि इसका तो बहुत सिंपल है क्योंकि आपको आ गया है ना, अब आपको समझ में आ गया, तो कहेंगे तो बहुत सिंपल है, कहेंगे हम इसको ऐसे लिखेंगे सबसे पहले और बाद में हम क्या करेंगे 3 × 2 = 6 है ना, 6 × 2 कितना हो गया 8, ये आप कहेंगे कि अभी 8/3 कितना हो गया 3। अब आप कहेंगे कि यहां पर तो कुछ कट नहीं रहा, देखेंगे अगर तो आप देखेंगे कि देखिए 2 से कट रहा है, बिल्कुल नहीं कट रहा है, 3 और 3 के पारण तो 2 ही नहीं, 2 पारण 3 तो ही नहीं करता है, तो कटेगा ही नहीं,
तो आप कहेंगे क्या इससे कट रहा है? बिल्कुल नहीं कट रहा है। ठीक है, तीन के पहाड़ में आठ आता है, नहीं आता है तो नहीं कटेगा ना भाई। तो जब नहीं कटेगा तो आप कहेंगे कि हमको कुछ नहीं करना है, और जब एक कट नहीं रहा तो हमको कोई दिक्कत परेशानी तो है थोड़ी। हम क्या करेंगे, अंश से अंश में गुणा कर देंगे, तो दो का आठ में करेंगे तो दो अठे कितना हो गया भाई, सोलह। दो अठे कितना हो गया, सोलह तो हो गया ना। अब देखिए, जब हर का हर में करेंगे तो तीन त्रिका कितना हो गया, नौ हो गया। यानी आंसर क्या मिला आपको, सोलह बटे नौ। अब कहें क्या कुछ कटेगा, तो नहीं कटेगा, और नहीं कटेगा तो क्या होगा, ये हमारा आंसर तो होगा, है कि नहीं। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत हुआ, कोई परेशानी, कोई भी समस्या नहीं होगा आपको, गारंटी है। ठीक है, कोई भी समस्या आपको बिल्कुल नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी होगा, कोई समस्या हो तो बताइए। चलिए, तो इसी तरह आपका सब है ना, सब आप चुटकियों में कर देंगे एकदम, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, सब आप एकदम आसानी से कर लेंगे। चलिए अब हम करते हैं तीसरे का भी, एक देख लीजिए, है ना। आप कहेंगे तीसरे का बता दो, तीसरे का भी बता दें, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं बताने में, बस आप समझिए, तो आप समझिए, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है आपको बताने में। अगर आप समझते हैं तो हमें कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं। ठीक है, अब हम तीसरे का भी कर लेते हैं। आप कहेंगे सब पहला पहला बता रहे हैं, कोई और नहीं बता रहे, तो आज हम पहला मतलब इसमें हम क्या बताते हैं आपको, चलिए इसमें हम आपको बता देते हैं, कौन बताए, चलिए ठीक है, इसमें हम दूसरा बता लेते हैं, है ना। आप कहेंगे सब पहला ही बता रहे हैं, आसान है पहला। अरे आसान थोड़ी है, सब तो एक ही है, सब आसान है। आप एकदम क्या करेंगे उसको, एकदम लगा करके गर्दन उड़ा देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई, छह सही क्या है, दूसरा जो है छह सही कितना है, दो बटे कितना है भाई, पांच। छह सही दो बटे कितना है, पांच। गुड़े कितना हो गया, सात बटे नौ। गुड़े कितना हो गया, सात बटे नौ। अरे बताइए ना, इतना तो कर सकते हैं ना, इसमें तो कुछ करना नहीं है, तो बस नक करके किताब से लिख लेना है, है ना, करना तो अब है ना। अरे अब क्या करेंगे, सब तो समझ गए हैं ना, कोई दिक्कत होगा नहीं। आप कहेंगे कि हमसे पहले आप कहेंगे कि इसका इसमें करेंगे, पांच छह का तीस, दो बत्तीस हो गया। अरे कैसे होगा भाई, छह पांच तीस, दो बत्तीस, यानी बत्तीस बटे कितना हो गया, पांच तो हुआ ना, बत्तीस बटे पांच हुआ, कोई दिक्कत हुआ नहीं, हुआ ना। जब कोई दिक्कत नहीं होती, इसको सात बटे क्या कर लेंगे, नौ कर लेंगे। अरे कहां दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है बिल्कुल नहीं दिक्कत है। अब नहीं दिक्कत हो मतलब क्या, अब एक बात बताइए, क्या पांच से सात कटेगा, नहीं कटेगा ना, क्या नौ से सात कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा ना। अच्छा अब ये देखिए, क्या पांच से बत्तीस कटेगा, अरे नहीं कटेगा भाई, पांच के पहाड़ में बत्तीस ही नहीं कटता है। क्या नौ से बत्तीस कटेगा, नहीं कटेगा। नौ के पहाड़ में बत्तीस आता है, बिल्कुल नहीं आता है। देखिए नौ का तीन के पहाड़ में बत्तीस आता है, नहीं आता है ना, कुछ नहीं कटेगा। अरे आप कहेंगे अब कुछ नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, अरे जब कुछ नहीं कटेगा तो मतलब क्या, सीरीज का गुणा कर देंगे, सात दूना कितना हो गया, चौदह हो गया। अरे भाई सात दूना तो चौदह होगा ना, सात दूना क्या हो गया, चौदह हो गया, और सात त्रिका इक्कीस हो गया ना। देखिए भाई सात दूना चौदह और सात त्रिका इक्कीस, और इक्कीस और कितना हो गया भाई, इक्कीस एक हो गया बाईस हो गया, यानी दो सौ चौबीस हो गया। अब नौ का पांच में तो नौ पच्चीस कितना हो गया, पैतालीस। ये आपका क्या हो गया, आंसर। अरे कहीं दिक्कत हो तो बताइए, कहीं भी परेशानी हो तो बताइए, ठीक है। नहीं दिक्कत परेशानी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा अगर आप मन से पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल आपको समझ में आ गया, गुणे में कुछ नहीं करना है, अंश का अंश में, हर का हर में, अंश का अंश में, हर का हर में, बस यही अंश अंश हर हर, अंश अंश हर हर, ठीक है, बस ये करना और कुछ करना ही नहीं आपको, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं चौथा सवाल, देखिए सबका एक एक हम बता दे रहे हैं, आपको एक परसेंट का कोई दिक्कत हो तो हमको बताइएगा, ठीक है। एक परसेंट का कोई दिक्कत हो तो हमको बताइएगा, नहीं दिक्कत होगा, मेरा आपसे वादा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई चौथे की नंबर, अगर हम चौथे नंबर की हम बात करें तो चौथा नंबर क्या हो जाएगा, आपको बताना है कौन बड़ा है। अच्छा क्या बात है, इसमें देखिए तीन बटे चार, ठीक है, क्या दिया है, तीन बटे चार का, तीन बटे चार का है ना, तीन बटे चार का दो बटे सात है कि नहीं, तीन बटे चार का दो बटे सात, अथवा 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 पांच बटे आठ का, पांच बटे आठ का तीन बटे पांच है कि नहीं, पांच बटे आठ का तीन बटे पांच, दो बटे तीन बटे चार का दो बटे सात, अथवा पांच बटे आठ का तीन बटे पांच। अब एक बात बताइए हमको, एक सिंपल सा बात बताइए, आपको बताना है इसमें से कौन बड़ा है। अच्छा यहां पर का था, तो का मतलब भी तो बुरा होता है कि नहीं, हम पहले लिख दिए तो का दिक्कत हो गया, का ही तो है ना, हाँ का ही है, ठीक है। अब एक बात बताइए,
हमने आपसे कहा कि बताइए का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे का मतलब तो गुड़ा होता है, क्या होता है गुड़ा होता है, तो हमने गुड़ा रख दिया, क्या दिक्कत है। अच्छा अब आप कहेंगे कि बताइए दो बटे सात तो ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर अथवा तो अथवा ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या ही नहीं है, है ना। पांच बटे आठ है कि नहीं, और ये तीन बटे पांच है। अब हमने आपसे कहा अब बताइए कि क्या इसमें कुछ कटेगा, क्या कट रहा है भाई, कुछ कट रहा है बताइए जल्दी से बताइए, कुछ कट रहा है, अरे कट रहा है ना। देखिए हमने कहा था किसी भी ऊपर वाले से किसी भी नीचे वालों को काट सकते हैं, है ना, किसी भी ऊपर वाले से किसी भी नीचे वालों को काट सकते हैं। अब यहां देखिए ऊपर में क्या है, दो है ना, ऊपर में क्या है, दो है, ऊपर में दो है, नीचे में कितना चार है, ऊपर दो नीचे चार, तो आप बताइए क्या दो के पहाड़ा में कट जाए, दो एक कन्नम कितना हो गया, दो हो गया, और दो के पहाड़ा में कितने बार में, दो बार में आ गया, तो क्या आपको समझ में आया कुछ कि ये तीन बटे दो हो गया, क्या हो गया तीन बटे दो हो गया, और एक घुड़ा है तो यहाँ कितना हो गया एक हो गया, एक बटे सात हो गया, ये आपका अथवा है तो ऐसे रखिए। और यहाँ पर देखिए अब यहाँ तो एक सेकंड भी नहीं आपको लगे काटने में, क्यों नहीं लगा देखिए, अरे यहाँ पांच, यहाँ भी पांच है, तो कट गया ना पांच पांच, तो बचा क्या एक, बचा ना एक बटे आठ, यहाँ हमने क्या कर लिया एक बटे आठ और घुड़े, और यहाँ तीन बटे क्या हो गया एक। अब आप कहेंगे अब तो कुछ कट नहीं रहा है, चलिए भाई नहीं कट रहा तो क्या करेंगे, अरे नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे सीधे सीधा गुणा कर देंगे, तो तीन का जब एक में करेंगे तो तीन एक कन्नम तीन होगा, और जब दो का सात में करेंगे दो सत्य चौदह होगा, है कि नहीं, दो सत्य क्या हो गया चौदह हो गया, अथवा क्या हो गया अथवा। अब यहां आप देखेंगे तो एक का एक में करेंगे तो एक हो गया, अरे सॉरी गलती हो गया क्या, नहीं हाँ सही, तीन का एक में करेंगे तो तीन होगा, और आठ एक कन्नम कितना हो जाएगा आठ। आपसे ही नहीं पूछा है, आपसे क्या पूछा बताइए इसमें कौन बड़ा है, तो क्या आप बता सकते हैं कौन बड़ा है, नहीं बता सकते ना, हमने आपको नियम बताया था एक बड़ा बताने का, आप क्या करिए मन में ये करिए ये आठ है ये क्या है तीन है, ये आठ है तीन है, आठ त्रिका कितना हो गया चौबीस हो गया, बताइए आठ त्रिका कितना हो गया चौबीस हो गया, ये चौदह और तीन है चौदह और तीन चौदह कितना हो गया बयालीस हो गया। अब हम आपसे पूछे अब बताइए बड़ा कौन है, तो आप तो आंख बंद करेंगे कि बड़ा ही है बयालीस, क्या ना आंख बंद करके बताएंगे कि बड़ा कौन है बयालीस है, अरे हमने कहा जब ये बड़ा है जब इधर वाला बड़ा है तो यही तो बड़ा होगा ना, अरे जब ये बड़ा है तो यही बड़ा होगा, यानी आप कह सकते हैं तीन बटे चौदह छोटा होगा, देखिए छोटा होगा तीन बटे आठ से, आप इसको दो तरह से पढ़ सकते हैं, तीन बटे चौदह छोटा है तीन बटे आठ से, या तीन बटे आठ बड़ा है तीन बटे चौदह से, मतलब जिधर एक खुला है जिधर इसका मुंह खुला है जिधर एक खाने के लिए जा रहा है वही क्या होता है बड़ा होता है, ठीक है वही क्या होता है बड़ा होता है। तो आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे, ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई भी समस्या हो तो बताए, ठीक है कुछ भी दिक्कत नहीं होगा कुछ भी परेशानी नहीं होगा कोई भी आपको समस्या नहीं होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं, अब अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो चलिए इसमें एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ठीक है एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं पांचवा कर लेते हैं, ठीक है पांचवा ही कर लीजिए, क्यों अगर पांचवा हम कर लेते हैं तो पांचवा क्या है, पांचवा जो क्वेश्चन है देखिए अगर आप आपके पास किताब हो तो आप देखेंगे कि पांचवा सैली नाम की कोई बच्ची है, ठीक है सैली अपने बगीचे में चार छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है और दो क्रमागत छोटे पौधों के बीच की जो दूरी है तीन बटे चार मीटर है, प्रथम एवं अंतिम पौधों के बीच की दूरी बताना है। अरे भाई इससे सस्ता सवाल कहाँ पाएंगे आप, ठीक है इससे सस्ता इससे आसान सवाल कहीं नहीं मिलेगा आपको। देखिए जो सैली है ना सैली क्या कौन है भाई, ये सैली है, ठीक है जो सैली है वो चार पौधे लगाती है, माने एक पौधा ए बी सी डी, ये क्या है चार पौधे हैं, ठीक है कहा है चार पौधे, एक पौधा यहां लगा है एक यहां और एक यहां और एक यहां, कह रहा है कि जो
जो दो क्रमागत पौधों के बीच की दूरी है वो कितना है, 3/4। अरे क्रमागत का मतलब समझ रहे हैं, क्रम से जो आता है। अरे एक के बाद कौन आता है, दो तो आता है ना, दो के बाद कौन आएगा, तीन आएगा ना, तीन के बाद कौन आएगा, चार आएगा, यानी क्रमागत वही होगा। ठीक है, तो दो क्रमागत पौधों के बीच, अरे हमने आपसे कहा बताइए कि इसके इसके बीच की दूरी कितना है, तो आप कहेंगे अरे 3/4 है। कितना है, 3/4 है। अगर हमने आपसे पूछा कि बताइए इसके इसके बीच की दूरी कितना है, 3/4 है। अगर हमने आपसे पूछा कि बताइए इसके इसके बीच की दूरी कितना है, तो आप कहेंगे 3/4 है। अरे 3/4 है, 3/4 है। दो क्रमागत पौधों के बीच की दूरी कितना है, 3/4 है। तो पहले और अंतिम पौधों के बीच में यानी ए से डी के बीच की दूरी आपसे पूछी गई है, तो आप कैसे बताएंगे, आप बताइए। अगर हम एक सिंपल सा लॉजिक समझिए, सिंपल सा लॉजिक समझिए, अगर हमने कहा कि ये दो है और ये दो है और ये दो है, तो 2+2+2 करेंगे आप तो कितना होगा, 6 तो होगा ना। अरे 6 होगा ना। अच्छा आप बताइए हमने कैसे बताया 6, तो आप कहेंगे हमने जोड़ लिया। नहीं, हमने जोड़कर नहीं बताया भाई, हमने 2+2=4 नहीं से किया। हमने क्या किया, हमने देखा कि ये दो कितनी बार आया, 1, 2, 3 बार। दो कितनी बार आया, 3 बार, हमने 3 लिख दिया, और 2 है तो गुणे 2 कर दिया। नहीं, 3 × 2 कितना हो गया, 6 हो गया ना। 3 × 2 कितना हो गया, 6 हो गया ना। तो वही बात है, अगर आपसे पूछे कि जो प्रथम एवं, ये सवाल नंबर आपका 5 है, प्रथम एवं अंतिम पौधों के बीच की दूरी, पौधों के बीच की दूरी, तो एक बात बताइए, सिंपल सा बात बताइए, एकदम साधारण सा बात बताइए कि 3/4 कितने बार आया है, तो आप कहेंगे कि ये आया है 3 बार, हमने लिख दिया 3, और कौन आया है, तो 3/4 आया है, हमने लिख दिया 3/4। तो आपको कुछ नहीं करना, अब आंख बंद करके सब गुणा कर देना है। अरे आंख बंद करके जब गुणा करेंगे तो इसका हर आपको पता है 1 है, तो अंश का अंश में, हर का हर में, 3 × 3 = 9 कितना हो गया, 4। ये आपका क्या हो गया, क्या हो गया, ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत होगा, कोई समस्या होगा, कोई परेशानी हो तो बताए, ठीक, आपको 100% आपको समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगा। तो मस्त होके पढ़िएगा, कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं है, अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिएगा, और घर पे ज्यादा घूमिएगा भी नहीं, और आपको जो सवाल बता रहा है अब इस पूरे एक्सरसाइज को अपने मन से करिएगा, ठीक है। आपके लिए होमवर्क यही रहेगा, जो होमवर्क रहेगा आपका, जो होमवर्क होगा, ठीक है, वो भी एक्सरसाइज का ही होगा होमवर्क, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से इसको लगाइएगा। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आप के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ठीक है, जय हिंद।